नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आप हैं द साहिल शो पर। आज के मेरे मेहमान बहुत ख़ास हैं। उन्होंने अपने फील्ड में इतना बड़ा नाम कमाया कि आज उन्हें लीजेंड कहा जाता है उनकी इंडस्ट्री में, और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है पंकज कांबले। हेलो एवरीवन, दिस इज पीके फ्लोरोलॉजिस्ट एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट फ्लेयर बारटेंडिंग। So you guys must be amazed that if you're talking about flair bartending, how can I be so chill and relaxed? And the thumbnail shows that there are so many bottle flyings and we're learning flair bartending. Okay, so let me tell you that before becoming or getting into flair bartending, you need to know exactly what is flair. So if you open the dictionary and try to see the meaning of the word flair, it says flair is something that you do in different style, different way or a method. पंकज एक बहुत बेहतरीन बारटेंडर रह चुके हैं। उनकी जो कला है वो आज इतनी फेमस हो चुकी है कि हर एस्पायरिंग, हर एमर्जिंग बारटेंडर उनको फॉलो करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। बहुत दुख की बात है कि आज उनका जन्मदिन है लेकिन वे हमारे साथ नहीं हैं। आज से ठीक अराउंड एक साल पहले 9 दिसंबर 2020 को उनका देहांत हो गया था, और आज उनके जन्मदिन पर मैंने सोचा कि उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए और उनको फिर से याद किया जाए। वे मेरे बहुत बेहतरीन मित्र थे और हमने बहुत सारा काम किया साथ में, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति है तो कोई बात नहीं, आज हम फिर भी उन्हें याद करेंगे और उनको एक मैसेज, उनके चाहने वालों तक एक मैसेज पहुँचाएंगे कि पंकज कितने बेहतरीन इंसान थे। आज हम पंकज के बारे में बात करेंगे। शायद अगर वे आज होते तो मेरे इस शो के पहले या दूसरे गेस्ट वही होते, तो मैं कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि जो होता है वो वक्त अनुसार होता है, और आज वो जहाँ पर भी होंगे उनकी आत्मा बहुत खुशी से रह रही होगी और एक सुख के एहसास में होंगे। तो आज पंकज को याद करेंगे और समझेंगे उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंकज की पर्सनैलिटी की। वो एक बिंदास, एकदम मस्त व्यक्ति थे, और उनकी उनकी जो जीने की कला थी, आप जब भी अगर उनसे मिलते तो आपको एहसास होता कि वो एक मस्त मौला है, और हमेशा उन्होंने अपने काम को बहुत जुनूनियत के साथ किया। और जब भी वो हमसे मिलते थे, हमारे इर्द गिर्द होते थे, तो हमें महसूस कराते थे कि लाइफ को बहुत शिद्दत से जीना चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना चाहिए और अपने काम को इतने दिल से करना चाहिए कि आप उस काम के लेजेंड बन जाओ और आपको बरसों तक याद किया जाए। पंकज ने अपने करियर में काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, न जाने कितने लोग उनके जैसा बनना चाहते थे और बनना चाहते हैं। पंकज बहुत ही ज़्यादा दिलदार इंसान थे, और जब हम उनको अपने इवेंट्स में लाइव परफॉर्म करते हुए देखते थे तो हमें एहसास होता था कि ये कला सबके बस की बात नहीं है और इसके पीछे कितने सालों की मेहनत जुड़ी होगी। उन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज उनका पूरे विश्व में नाम लिया जाता है। इनकी इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके काम की सराहना करते हैं। उनका जो रिलेशन था पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही खास था। आज से कुछ अराउंड 7-8 साल पहले मैं उनसे मिला था, और तब से हमारी दोस्ती ऐसी गहरी हुई कि उन्होंने मेरा खुद का जब एक फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था मेरी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा था, मैं मेंटली सिक था, तब उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव किया। मैं आज से कुछ 2 साल पहले उनसे मिला और वो हमारी लास्ट मुलाकात थी, तब भी उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि साहिल भाई आप हमेशा मेहनत करते रहें और आप एक अच्छे इंसान हैं, आप आगे बढ़ेंगे। और आज अगर मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ तो उसमें पंकज भाई का बहुत बड़ा हाथ। पंकज एक बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान थे और उनकी कला के दम पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, और इसी के साथ उनका खुद का बारटेंडिंग स्कूल था जिसमें उन्होंने न जाने कितने स्टूडेंट्स को खुद के रहते सिखाया, और आज भी उनकी लीगेसी बरकरार है। उनके को फाउंडर्स, उनकी टीम आज भी स्टूडेंट्स को सिखाती हैं और इवेंट्स में अपनी सर्विसेज देती हैं। और दोस्तों, लिकर इंडस्ट्री के अंदर उनको एक ब्रांड के तौर पे देखा जाता था। बड़े बड़े लिकर के ब्रांड उनको अप्रोच करते थे ताकि वो उनके ब्रांड को प्रमोट करें और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से उनके उनके प्रोडक्ट्स को शेप दें और सर्व करें। एंड दोस्तों, पंकज का स्पिरिचुअल नॉलेज, वो इतने हाईली कनेक्टेड थे स्पिरिचुअल पावर्स के साथ,
कि उनका जो खुद का ऑरा था इतना स्ट्रांग था, अगर आप उनके इर्द गिर्द रहते, उनके आसपास रहते, तो आपको एहसास होता कि उनके ऑरा में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है आप सभी के लिए, वो एक अलग लेवल का है। जैसा कि इन फुटेजेस में आप देख सकते हैं, उनकी जो आर्ट है वो एक अलग ही लेवल की आर्ट है। इसको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं है, हर कोई ये कला से नहीं नवाजा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे सालों की प्रैक्टिस है। जब भी उनको हमने लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, आप लिटरली अपनी आंखें उनसे नहीं हटा सकते, क्योंकि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना और उसमें रमे रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज पंकज को याद करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं उनके बारे में बात करके उनसे जुड़ी बातें, उनसे जुड़ी यादें ताज़ा हो गई। तो दोस्तों, आप हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड रहें, और पंकज जैसी पर्सनैलिटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा आप ऐसे कंटेंट को ढूंढें इंटरनेट पे जहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि ज़िंदगी एक छोटा सा पॉपअप है इस पूरे यूनिवर्स में। आज हम हैं, कल नहीं है, लेकिन जब तक हम हैं तो हम एक ऐसे मुकाम को सेट करेंगे जिससे कि हमें याद किया जाए।